प्रशासन पशुओं के संरक्षण पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर गो तस्कर अपने फायदे के लिए बेजुबान गायों को मारकर उसका चमड़ा बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सारंगढ़ तहसील के ग्राम पाट से सामने आया है, जहां दो युवक आधी रात को भजोराम भारती के घर में घुसकर आंगन में बंधे गाय के मुंह को पकड़कर उसके सर पर लोहे से बंसूली से वार कर रहे थे। तभी आवाज को सुनकर घर में सो रहे भजोराम की नींद खुल गई और उसने घर वालों और पड़ोसियों को आवाज लगाई, जिसको देखकर दोनों आरोपी अपनी बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगे, जिन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया। साथ ही पुलिस को घटना की जानकारी दी। दोनों आरोपियों के ऊपर पशु क्रूरता अपराध के तहत न्यायालय भेजा गया है। का मामला है? हाँ, मोला भी रथिया जानकारी मिली से 2 बजे रात की। हाँ। कि मोला महारथी रात में फोन करी से कि बताई से भाई कि कोई 2 आदमी आई से और गरवा गाय जो बछिए रही से ना, तो एक झर रही से एक झमारी से चोर हमन पकड़ डारे हन, तो आ तुरंत कही से। चोर मन कहाँ के? चोर मन कोसिर के। कोसिर के कहाँ? हाँ। अब अभी बताई से, तो अभी की जानकारी में एक झ धनी राम पिता उमा शंकर और एक झ के है एक झोंके कारण सम्मे लाल पिता पुनीराम। तो ये आपके गांव में पहली घटना की और भी घटना हो चुकी है? वैसे इसने घटना और कई ठा हो चुके हैं, जेला मतलब कोई जानकारी नहीं मिले, मतलब यह यहज घटना है कहके ना, मतलब यह करी से अभी एक हफ्ता के पहले भी उसने घटना मिले रही से, ओकर पहले भी मिले है वो। तो कोसिर थाना में रिपोर्ट दर्ज हो इसके नहीं पहली के है? अभी हाँ, अभी के है कोसिर थाना में रिपोर्ट दर्ज है। काबर रथिया मोला फोन करके बताइस ना, तब मैं वहाँ पहुँचे, तो ये 2 आदमी अभी थाना में है ना, सम्मे लाल और पुनीराम, यह सम्मे लाल और धनीराम बोला, मतलब 112 फोन करीस महारथी है, तो 112 मैंने उठा के लेके आ रही। रात करीब 1 से 1.5 बजे के बीच की बात है, ग्राम पाट भजोराम भारती के घर में दो लोग उसके गाय को जी। गाय या बछिया उसको मार के ले जाने के लिए जी। वहाँ उसको मार रहे थे, उस समय खबर पाकर भजोराम बाहर निकला जी। और लोगों को आवाज़ लगाया, जिसे आसपास के लोग उठे और दोनों को पकड़ लिए। प्रार्थी भजोराम की रिपोर्ट पर थाना कोसिर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध धारा 429-34 के तहत जिसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, जानकारी मिली कि गांव में ऐसी घटनाएं और भी हो चुकी है करके, सर इस पर क्या कहना है आपका? ये ऐसी बात तो इसके पहले कोई किसी के द्वारा बताया नहीं गया है, हो सकता है कि ऐसा कुछ घटना पूर्व में भी घटित हो पर कोई किसी को बताया नहीं है। सारंगढ़ से श्याम कुमार पटेल की रिपोर्ट।